गॉड, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये प्लेयर क्या चीज करता है। अब हमारे जो स्प्रे गॉड भैया है, ये ऑफ कोर्स यू नो टीएक्स की लाइन से खेलते हैं और इनकी टीम में भाई निंजा भी खेलता है, जो कि तुम्हें पता है भाई अपना में बहुत बाप प्लेयर है। और टीएक्स में भी ऑफ कोर्स बीजीआईएस क्वालीफाई कर चुकी है फाइनल में, तो ये भी क्वालीफाई कर गए। गॉडल से नहीं हुआ, कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। उन्होंने एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया, ये लोग ऊपर रश कर रहे हैं क्या? एक क्रॉसिंग वाला देख लो ना, एक इनकी लाइन भी बहुत सॉलिड है यार, स्काउट खेलता था और मजा आता। एक बंदे को नॉक करा, एक और दो बंदे नॉक हो चुके इनके, पहला वाला फिनिश हो गया और तीसरा बंदा कूद रहा है। ये भी गया, तीन बंदे गए। आखिरी प्लेयर किधर है? आखिरी प्लेयर किधर है? वो नीचे से आ रहा है, वो नीचे से आ रहा है। उसे किल की बुक केडी कराना चाहिए, उसे पता है अगर वो अभी नहीं घुसा तो घुस नहीं पाएगा। पिस्टल के अगर उसके एस्ट्रोल के लगी तो सारा को बहुत गंदी पिटाई मिलेगी भाई, सारा इंस्टेंटली नॉक हो जाएगा। भाई वेट करिए सारंग को, ये बट बढ़िया हमारा। तुम्हें क्या लगता है कैपिंग इस साल बीजेएस कौन जीतने वाला है? टीएक्स, जीई, सोल, आई मीन बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स आई है, टीटी भी आ चुकी है फाइनल में। मतलब एक आरू करके टीम आई है जिसको कोई जानता नहीं था, वो आउट ऑफ नोवेयर आके सेकंड पोजीशन पे आके मार के गए सब। मतलब इस बार बहुत मजा आने वाला है बीजेएस के फाइनल्स में भाई। देखो जब एस्ट्रोल के चलनी शुरू होती है तो डीबीएस वाले प्लेयर भी रो देते हैं आज के टाइम में, झूठ नहीं कह रहा भाई मैं। एस्ट्रोल के ने डीबीएस को ओवरटेक कर दिया धीरे धीरे। डीपीएस लेकर के यहाँ पर नीचे लेफ्ट में ऑलरेडी दिख गया है। वाओ भाई उसको तो उतर के थप्पड़ मारा है, झूठ भी नहीं कह रहा है। उस प्लेयर को तो उतर के ठोक रहा घुटनों के बाद बैट नुबड़ी के बॉली कर रहा हूं। लो दिया, लो दिया, भाग गए पीछे। देख बंदा थर्ड पार्टी कर रहा है, पता नहीं कौन सी स्क्वाड का है वो, कौन सी स्क्वाड पीछे मजा लेने का ट्राई कर रही है, नो आईडिया भाई। ऊपर बॉली ठीक है भाई। ये बंदा नीचे था हाई को खेलने के लिए, नीचे से आ रहा था लेकिन इसकी टीममेट ने लॉक कर दिया उसे। तू देख क्या नहीं देख रहा इस पर, रुक जा। दो अलग टीम तो नहीं है? और देखेंगे टीएक्स रोटेशन कैसे करती, गेम प्ले कैसे खेलती, वो भी हम देखेंगे इसके बाद। यार टीएक्स इस बार बीजेएस जीत सकती है, चांसेस बहुत अच्छे हैं। टीएक्स लाना बहुत सॉलिड है, किधर ऊपर है कि नीचे? कंपटीशन बहुत है, सीजी भी है। मतलब यू नो सीजी तो एक तरह से मतलब दिखा रही है कि उनको सोल से निकाल के सोल वाला गलती कर दी, झूठ नहीं कह रहा भाई। मतलब सीजी तो मिशन पर है। ओके यहां पे भैया हैं, इनके पास नेड है राइट साइड से हल्का सा फ्लैंक मारते हुए जा रहे हैं। अबे यार बढ़िया नेड फेंका है आगे, नेड वगैरह कर सकते हैं। एक और नेड पुल कर रहा है, हां कर रहा है, नाउ स्प्रे कर रहे हैं। ओए नाइस, कितने दो फोड़ दिए भाई, स्प्रे गॉड फॉर्म में आ चुका है। यहां पर दो बंदे को ऑलरेडी फोड़ दे, यहां पर स्मोक फेंका है, भी रश करना ऑफ कोर्स, तो रश करने के लिए स्मोक करना जरूरी है। हल्का सा एंगल बनाता है राइट लेफ्ट मूवमेंट के साथ, क्लोजिंग कर रहा है। सामने एक बंदा रिच के उधर ऑलरेडी बैठा वेट कर रहा है। एमवी का आरू फिनिश हुआ है, पता नहीं आरू का एमवी फिनिश हुआ है, पता नहीं कौन किसका फिनिश हुआ है। और डीबीएस 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 लेट्स गो भाई, इसे नेट से बमबाजी कर दी इनकी जिंदगी में भाई। ये क्लिप देख के तुम्हें पता चल जाएगा क्यों स्प्रे गॉड का नाम स्प्रे गॉड है, ठीक है? 247 मीटर बस, तुम देखते जाओ भाई किस स्प्रे कितने दूर जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये देखो गाड़ी कहाँ जा रही है, पक्की कहाँ जा रही है, ये क्या स्प्रे है? 432 मीटर दूर तक स्प्रे गॉड बीइंग स्प्रे गॉड, हमारे स्प्रे गॉड यहाँ पर भाग करा रहे हैं। इनके पीछे एमजी के भैया बैठे हैं और एमजी का अलादीन फिनिश हुआ एकदम, बट हमारे स्प्रे गॉड के पास डीबीएस है। डीबीएस जब हाथ में होती है तो किसी को डर नहीं लगता, स्प्रे गॉड के हाथ में जब डीबीएस आती है ना उसका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ जाता है, फिर वो डरता नहीं भाई किसी, समझ रहे हो? फिर वो बस घुसता है अंधों की तरह। मतलब मैं भी पागलों की तरह घुस जाता हूँ आजकल डीबीएस हाथ में, पकड़ने के बाद पता नहीं डीबीएस हाथ में आती रह सकता, सुपर पावर आ गया हाथ में भाई, तुमको कोई मार ही नहीं सकता फिर क्लोज रेंज में। वो अलग बात है अगर तुम चोक कर गए और तुम्हारी गोली लगी नहीं फिर तो भाई तुम्हारे को कुत्ता बना के मारेगा, समझ रहे हो?
बट डीपीएस भाई पागल गन तो है अंदर है वो आखिरी प्लेयर आया है क्या उनका सामने प्लेयर मारे पुश कर कोने में तो बक्के बैठा है गया भाई। अब हम यहाँ पर इनकी लाइनअप के कॉल आउट सुनने वाले देखने वाले कि लोग रोटेशन कैसे करते हैं और कैसे टीएक्स की टीम डोमिनेट कर रही है आज के टाइम में। ये मेरे सामने क्या हुआ आई डोंट नो, वो गाड़ी वाला आके गोल गोल कैसे घूम गया, उस बेचारे की ड्राइविंग में पता नहीं क्या हुआ भाई, वो गाड़ी स्लिप हो गई उसकी, चोरी हो रहा है। अबे भाई आपने किल क्यों नहीं कंफर्म किया, ब्रेगॉड भी ले कह रहा है आई एम टू कूल, मैं फिनिश नहीं करेगा, मैं मार के छोड़ देगा अपना मर जाएगा वो। थोड़ा लेफ्ट देख लो ना यहां पे, बट निंजा भैया ने उसको फिनिश कर दिया। देख तो ले लेफ्ट पे बंदे हो सकते हैं, अगर रिच पे चढ़ाना होगा शायद हमें लेफ्ट क्लियर। ये जोन के हल्का सा बाहर है, बाकी इनके टीममेट्स तो बट इजीली अंदर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जोन वैसे देखो कहां बन रखा है, अभी ये जोन पुश नहीं करते हैं, होल्ड कर लो बे जोन के इसको बिठा के जोन में लेके आ जाना, राइट से पड़ रहा था। वैसे तुम्हें पता ना हो तो ये सेमीफाइनल्स का ही गेम है, दिस इज एक्चुअली सेमीफाइनल बीजे है इसका, एक पीछे पीछे भी खेल सकते हैं। इसमें इस बंदे ने इतना गंदा तोड़ा है तो सोचो फाइनल में कितना गंदा तोड़ेगा। हां छोड़ छोड़ मत जाओ, स्प्रे पड़ रहा है। अरे गाड़ी का मैं आई गेस कल परसों ही बोल रहा था ये गाड़ी सबसे घटिया, मतलब लिटरली गेम की सबसे दो रुपए की घटिया सस्ती गाड़ी है। रोक तो कर पहले ब्रो, टायर फट जाते हैं, नेचर भी है पता नहीं भाई, ये बस से भी घटिया है, मेरे को इतनी घटिया लगती है। फट गई क्या साइड पे, नहीं आएंगे बे। देखो वैसे जोन के अंदर तो बहुत अच्छी लोकेशन पर आ गए, मतलब सही बोलो तो लेफ्ट साइड पूरा इनका क्लियर है, अंदर स्क्वाड लड़ते हो कोई थर्ड पार्टी कर रहे हैं। एक और किल उठाया यहां पर भाई ने, एमजी के प्लेयर को फिनिश करा है। उधर ही वॉल पे और एक बंदा है, ठीक है, स्प्रे गॉड स्प्रे मारता हुआ यहां पर पागलों वाला, स्प्रे से ही एनिमीज का वक्त जज्बा जिंदगी बदलता है। 31 प्लेयर्स अलाइव है, जोन और छोटा होने वाला है। वैसे मैं बताऊं ऑनेस्टली रेंगल के बाद विकेंडी सेकंड बेस्ट मैप, मतलब विकेंडी एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मिरावर से बहुत बेटर लगता है। विकेंडी एक्चुअली से इरेंगल की फील देता है थोड़ी बहुत, मेरे को पता नहीं, अच्छा मैप है। गलत स्मोक कर रहा है, चलो दो अपने पत्थर पे कर स्मोक। अबे नहीं नेड आएगा ना इस पे, आएगा देखो मतलब आखिरी सर्कल में जो गोलियां बरसती है ना, वॉल पे बैठा हुआ है। अब तुम इसे कंट्रोल सेटअप देखो, ये थंब प्लेयर जैसा है एकदम, पता नहीं मतलब थ्री फिंगर है, थ्री फिंगर लग रहा है, हां थ्री फिंगर है ये, दोनों ठीक है पीछे वाले स्मोक को उठा ले जाके स्प्रे। आई मीन ये फोर फिंगर हुआ तो आई विल बी बिट शॉक्ड, बट लग तो थ्री फिंगर क्लॉ रहा है। ये जोन में नहीं है कंपाउंड, बट मेन काम बॉटम राइट साइड से ही हो रहा है, मतलब ना फायरिंग वगैरह सब तो। अबे तुम वापस टू फिंगर का हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन लग रहा है, ये पत्थर छोड़ना। अबे गाड़ी आ रही है, देख पीक के बटन में देखो तो टॉप राइट साइड पर है, ठीक है देखो प्लेयर नॉक कर रहा है, देख लो गाइस मैं पत्थर खेल लेता हूं, इनको रश कर देना चाहिए। अब क्या करना है, अरे घुस जाओ भाई, देख रहे हो तुमने नॉक निकाल दिया, अब टाइम है एंट्री मारने की। फिर भाई ये ऐसे स्प्रे अगर बीजे से मारने लग गया ना, मैं मैक्सी ने वापस मेमो गाड़ी से काट दिया, गाड़ी से ले ले जा, निंजा वाली गाड़ी से ले ले, लेफ्ट पे नेड कर दूंगा मैं, गाड़ी का टायर ले रहा है ये, उनको जोन में आने नहीं देंगे भाई, ये एक्चुअली में उनको जोन में नहीं आने देंगे, ये उनको जोन काटने वाले हैं, कंपाउंड वाले किल चाहिए तो आगे वाले पे भी जाते हैं, आगे वाले पे नाइस बना हो गया कंपाउंड, कंपाउंड लेफ्ट देखते रहना, लेफ्ट से स्प्रे को ना मारे। वैसे ये तीन ही प्लेयर लाइव है, नंबर 2 फिनिश हो गया, निंजा ने प्लेयर को नॉक करा है। गाड़ी आई पता नहीं इनके ऊपर शायद से गाड़ी आ गई है, पत्थर के पास है, स्प्रे गॉड बहुत ऊपर में भाग रहा है, अगर राइट से कंपाउंड वालों ने स्प्रे स्प्रे मारा तो एकदम फ्री होगा, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, नाइस तीनों नीड कर राइट में कर रहा कर रहा कर रहा सामने जाएगी रोटेट, बढ़िया ना हो सकता है क्या यहां पर, नहीं अभी तक तो हुआ नहीं है, फ्री का गेम लेट्स गो, आयरिस का एक और प्लेयर फिनिश, दोनों फुट में जाए नेट से,
चीको ओपी को फिनिश करा है। नेड मारो ना लेफ्ट वाले को गाइस, दूर छोड़ो। नहीं नेड नहीं, नेड नहीं है, नेड नहीं है, नेड नहीं है, नेड नहीं है, नेड नहीं है। एक और नेड फेंका। क्या किया नेड किया मैंने भाई? गाड़ी गाड़ी ले लिया है। नहीं नहीं, अच्छा वो हेल्थ लेने आया उसने, गाड़ी वापस लाने का ट्राई कर रहा है। गाड़ी कौन है? गाड़ी भी भाई लेफ्ट पे किन फिट कर ले सारा गॉडल है। बढ़िया गॉडल और टीटी है। ओके फाइनल सर्कल में टीएक्स वर्सेस गॉडल होने वाला लग रहा है यहां पर। ये देखें लाइफ फाइट होगी भाई, कौन जीतेगा? मैं ऐसे ले जा रहा हूं जोन के बाहर से। हां जा टीजीएस का सेमीफाइनल। यहां पर मोगो का डेस्ट्रो फिनिश हुआ है। ये राइट पत्थर पे बेर पे मार। सेमीफाइनल वन में मोगो ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट सेमीफाइनल टू में भाई ये लोग सेकंड पोजीशन में जो आके तोड़ के गए भी सबको। ला एक 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 वो दोनों को लेफ्ट पे देख, लेफ्ट पे देख दोनों। एक और बंदा फिनिश, सिम को फिनिश कर दिया। एक और कोई तो नॉक हुआ, एक और नॉक करा है गॉडल का, कोई और प्लेयर भी गया। पेड़ पे देख पता नहीं कौन है बट फिनिश होगा। अकेला है, अकेला है, अकेला है। स्मोक है, निंजा स्मोक है। एडमिनो को भी फिनिश करा। लेट्स गो स्प्रे के लेफ्ट में, स्प्रे के लेफ्ट में घुमा एक बार फेरो। आई गेस गॉडल पूरी एलिमिनेट तो हुई रही है, उनका एक ना प्लेयर अलाइव है, पता नहीं कौन। चलो कवर दे, स्प्रे कवर दे, स्प्रे कवर दे रहा है भाई, पाप लेवल का कवर। जोनाथन लग रहा है मेरे को। अरे राइट स्प्रे आ गया। ये कौन है? असली 2v2 फाइट भाई, ये हुई ना बाप लेवल की फाइट, कौन जीतेगा? बढ़िया। ओह नो जोनाथन फिनिश। वो अलग ही बंदा है क्या, पता नहीं। कवर में जा रही है, देखनी भी जरूरी है। तो गायरोस्कोप है क्या? नहीं गायरोस्कोप नहीं है ये, दिस इज गायरोस्कोप। 300 सब कुछ 300 है। 3x240 है, 4x227 है, 8x95 है और 6x130 है। बहुत ऑन द हायर साइड है अगर तुम थोड़ा देखो तो। ट्राई करके बताना तुम्हारे लिए काम करेगी नहीं। अगर तुम्हें निंजा जॉर्ड का गेम प्ले देखना है तो तुम यहां दबा करके देख सकते हो।